सो गैस हम लोग यहाँ पर बहुत आगे आ चुके हैं अब तो यार। अभी यहाँ पर जो है पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि यार इस सीरीज़ को ड्रॉप कर दूँ और ये वो, मैं इस सीरीज़ को ड्रॉप नहीं करूँगा यार, मैं कंप्लीट करूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कि इस सीरीज़ को ड्रॉप करके कुछ और चालू करो, और यार मैं नहीं करूँगा ड्रॉप, आप टेंशन मत लो, हम इसको पूरा करेंगे। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिखते हैं और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिखने के बाद ये हमारा सर्वर चालू कर देगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और चला जाऊँगा उस सर्वर में, यानी कि जो भी सर्वर जेंगो ने क्रिएट किया है। बाय द वे अगर आप लोग को नहीं मालूम तो बता दूँ, ये जो सर्वर होता है जो जेंगो क्रिएट करता है, ये एक प्रोडक्शन में यूज़ करने लायक सर्वर नहीं होता है। आप लोग को करना क्या होता है कि आप लोग को WSGI या एक दूसरा फॉर्म डिप्लॉयमेंट का यूज़ करना पड़ता है। मैं यहाँ पर उसकी बात बहुत जल्दी करने वाला हूँ, हम इसको डिप्लॉय करेंगे तब बात करेंगे इसकी। लेकिन अभी हमने पिछले वीडियो में जो कार्ड बनाई थी वो देख रहा हूँ मैं कैसी दिख रही है। अब यहाँ पर एम्प्टी कार्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर क्वान्टिटी वगैरह को बढ़ाने घटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सब चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप लोग मत लेना। अभी 12 आइटम कर दिए मैंने कार्ड में, सारे जितने पॉसिबल आइटम है सब ऐड कर दिए मैंने। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ इस वेबसाइट में। एक चीज़ तो ये कि मैं रो ऐड करना चाहूँगा। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो अगर आप लोगों ने मेरा बूटस्ट्रैप का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि बूटस्ट्रैप में रो क्या होती है। तो बूटस्ट्रैप में हम रो बनाते हैं तो एक रो बन जाती है, और वो सही तरीका होगा हम लोगों के लिए यहाँ पर रो बनाने का। तो देखो मैं यहाँ पर रो किस तरह बनाने वाला हूँ। तो मैं रो कैसे बनाऊँगा, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर ये यहाँ पर लिख दूंगा एंटर मार के डेफ, यानी कि फॉर लूप के अंदर जो भी है मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू रो, सिंपली इतना मैं करूँगा। और यहाँ पर जो है जो बंद करूँगा मैं अपनी रो को कहाँ पर करूँगा, इसको कंट्रोल एक्स करूँगा और रो को बंद मैं करूँगा फॉर लूप के अंदर ही। तो मैं सिंपली फॉर लूप के अंदर अपनी इसको बंद कर दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा, एक बार हमारा फॉर लूप चलेगा जितनी जैसे जैसे आइटम्स को ऐड करता जाएगा हमारा फॉर लूप। तो मेरा एंड फोर कहाँ पर हो रहा है, मेरा एंड फोर यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ करूँगा मैं बेसिकली बंद इसको। तो जहाँ पर मैं मेरा जो जावास्क्रिप्ट वाला ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ। तो ये वाला मैंने बंद कर दिया यहाँ पर, कंट्रोल ऐसे सेव करके रिलोड करके देखता हूँ और अच्छा दिख रहा है। बस ये बटन ऊपर आ गए, इसका भी इलाज मैं करूँगा अभी, रुक जाओ। लेकिन यहाँ पर एक ओवरलैप आ रहा है, और ओवरलैप इसलिए आ रहा है क्योंकि जब रो के अंदर मैं इसको एज अ कॉलम देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लास इज इक्वल टू एक कॉल डाल दूंगा। यहाँ पर इस कॉल को हम बाद में रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से, वो मैं यहाँ पर अभी स्किप कर रहा हूँ। कॉल एक्सेस या फिर कॉल SM वो सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, अभी के लिए वो मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा इसको और यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा और ये फिक्स हो जाना चाहिए। देखो हो गया फिक्स, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, और देख रहा हूँ चीज़ें बाकी सब सही से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं जो है देखना चाहूँगा, ये जो बटन्स हैं इनको थोड़ा नीचे लाना चाहूँगा। तो इनको बटन्स को नीचे लाने के लिए कभी भी आपको फ्रंट एंड का काम करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया करो और यहाँ पर इसका इलाज किया करो, फिर फाइनली CSS को ऐड कर दिया करो। तो यहाँ पर मैं इसका इलाज किस तरह करूँ यार, अभी वही सोच रहा हूँ। और इसका इलाज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इसको एक तरह से ऊपर से थोड़ी पैडिंग वगैरह दूंगा, और शायद मैं इसको पैडिंग दूंगा तो काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैडिंग टॉप इसको देने की कोशिश करता हूँ। किसको, ये जो बटन है ये हमारा ये वाला A टैग है, इसको पैडिंग टॉप देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पैडिंग डैश टॉप और इसको पैडिंग टॉप दूँ 455, और ये देखो इसने यहाँ पर 455 पिक्सल लिखता हूँ या फिर 200 पिक्सल लिखता हूँ, मुझे नहीं पता यार कितना क्या करने से कितना नीचे जाएगा। देखो ये काफ़ी नीचे चला गया, तो मैं देखता हूँ कितना नीचे आया। ये पैडिंग टॉप मैंने 200 पिक्सल दिया था, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सही दिया है मैंने, ठीक है। थोड़ा और नीचे लेकर आए क्या, चलो 200 से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह करके एरो की दबाऊंगा तो देखो नीचे आता जा रहा है, तो इतना मुझे सही लग रहा है यहाँ पर अभी ये। तो पैडिंग टॉप 222 पिक्सल कर देते हैं, तो ये बढ़िया रहा यार, एकदम हमने झटपट फटाफट काम कर दिया। यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा इसको, किसको देना है, लेकिन किसको हमें किसको पैडिंग टॉप देना है 222 पिक्सल, हमको देना है कराउजल कंट्रोल प्रीव को, कराउजल कंट्रोल प्रीव यहाँ पर यहाँ देना है हमको, ठीक है। तो इसको ज़रा टैप देके ज़रा अच्छा कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमको देना है सिंपली। तो मैं क्या करूँगा इसको, सिंपली इसको तो कर दूँगा प्लेस अभी जहाँ पे ये था इसको वहाँ खड़ा कर दूँगा। CSS में ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं स्पेसेस वगैरह, लेकिन यार थोड़ा अच्छी दिखे चीज़ें तो अच्छा लगता है यार हमको, ठीक है। तो यहाँ पर इतना करके कंट्रोल एस करता हूँ और नेक्स्ट वाले में भी दूंगा, प्रीवियस वाले में भी दूंगा, रिलोड करता हूँ। जो सोचा वो हुआ कि नहीं हुआ, जो सोचा वो बिल्कुल हो गया, और अब अच्छा दिख रहा है। देखो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है अभी, अभी अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट मारो या लाइक मारो वीडियो पे, कोई नहीं करता लाइक कमेंट। और जो प्लेलिस्ट मैंने शेयर करने को बोली उस पर भी किसी ने शेयर नहीं मारे यार, 5-6 लोगों ने मुश्किल से शेयर किए हुए हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता यार। आप शेयर करोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, शेयर दबा दो यार जल्दी से, वीडियो शेयर करो यार, आप लोग करते नहीं हो। एनीवेज जो भी है, तो यार अब जो एक और चीज़ मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, ये मैं मैक्स विड्थ की जगह ना इसकी विड्थ को मैं फिक्स कर दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव कर दूंगा इसको। मैं कहूँगा यार जितनी हाइट और विड्थ मैं दिखाना चाहता हूँ प्रोडक्ट की उतनी आनी चाहिए, तो मैं हाइट और विड्थ को ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाइट एंड विड्थ मैं एकदम इसकी ऐसे कॉन्स्टेंट रख दे रहा हूँ। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हो अभी थोड़ा बराबर बराबर से सब कुछ आ गया है, और अगर मुझे इनको छोटा करने की ज़रूरत पड़ गई तो मैं हाइट और विड्थ थोड़ी छोटी करना चाहूँगा यहाँ पर, मुझे पता नहीं फॉर सम रीज़न बड़ी लग रही है। तो मैं इसको अगर 200 कर दूँ विड्थ को
और हाइट को भी 200 कर दूँ, देखता हूँ कैसा दिख रहा है। अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर मैं उसको बाद में ठीक कर दूंगा। तो मैंने अगर इतना किया तो थोड़ा छोटे तो हुए प्रोडक्ट्स, लेकिन ये घड़ी जो है थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक काम करूँगा, जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ को थोड़ा और कम कर दूंगा। तो मैं 170 करके देखता हूँ। देख रहा हूँ यार, सिर्फ मतलब ये सब चीज़ें ना ट्रायल एंड एरर से की जाती हैं। देखो मुझे अभी थोड़ा छोटा लग रही है आइटम्स, और थोड़े अच्छे लग रहे हैं। तो यार अगर इस तरह छोटे रहे आइटम तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यार ये सीरीज़ जो है बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। आप लोग को आ रहा है नहीं आ रहा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।